लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए नामांकन सोमवार से शुरू हो गया है। 13 सीटों के लिए होने वाली वोटिंग 21 मार्च को होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर 21 मार्च को वोट डाले जाएंगे। 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन होंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को होगी और नाम वापसी 14 मार्च तक हो सकेंगे। गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव में एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 33 विधानसभा सदस्यों की आवश्यकता होगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव के लिए अपने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। सपा ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और पूर्व मंत्री बलराम यादव के अलावा शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पर भरोसा जताया है। बीते दिनों ही गुड्डू जमाली बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, जिसके बाद अब सपा ने उन्हें अपना एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। सपा के 3 उम्मीदवारों की इस चुनाव में जीत तय मानी जा रही है। हालांकि संभावना यह भी जताई जा रही है कि कहीं विधान परिषद चुनाव में भाजपा राज्यसभा की तरह ही 11वां उम्मीदवार न उतार दे। राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों में यही देखने को मिला था, जब समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को उम्मीदवार बनाया था, तो बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। सपा के साथ विधायकों के बागी होने से क्रॉस वोटिंग का फायदा मिला और संजय सेठ के जरिए भाजपा ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचा दिया। तब स्वामी प्रसाद मौर्य, बल्लभी पटेल समेत सपा के कई नेताओं ने पीडीओ उम्मीदवारों को चुनाव में न उतारने का मुद्दा उठाकर अखिलेश को घेरा था। बदायूं के पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी ने भी इस्तीफा दे दिया था। गुड्डू जमाली ने हाल ही में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पहले माना जा रहा था कि पार्टी में उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बना सकते हैं, हालांकि अब उन्हें विधान परिषद भेजा जा रहा है। नरेश उत्तम पटेल सपा के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, वो अभी भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। पटेल पहली बार सन 1989 में जनता दल प्रत्याशी के तौर पर विधायक चुने गए थे। कानपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट नरेश उत्तम पटेल कुर्मी जाति के हैं और सपा के बड़े उवैसी नेताओं में गिने जाते हैं। अखिलेश यादव के पहले वो मुलायम सिंह यादव के भी करीबी रहे। नरेश उत्तम पटेल सन 1989 से 1991 तक मुलायम सरकार के मंत्री रहे, साथ ही 3 बार यूपी विधानसभा से विधायक चुने गए। सपा के अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से आरएलजी ने भी अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आरएलजी ने इस चुनाव के लिए योगेश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों की माने तो एनडीए से अपना दल एस के प्रत्याशी के तौर पर योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल भी चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, राज्यसभा से सबक लेकर पीडीए कार्ड खेलने वाले अखिलेश का ये फॉर्मूला फिट बैठेगा या फिर एमएलसी चुनाव में खेला होगा।